मैं हूँ एक बेटी। नमस्कार दोस्तों, जो पहले चैप्टर में अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था आवेश के बारे में। मैंने बताया था पहला जो चैप्टर है वो दो पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट पढ़ा था हमने आवेश, और सेकंड पार्ट है आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, मैंने इसकी परिभाषा लिख दिया। अब ये परिभाषा आपको कैसे समझनी है वो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र दर्शा दिया, और इसमें कोई आवेश रखा है। इस पॉइंट पर क्यू आवेश रखा है, ठीक है ना। अब इस आवेश में रखे हुए आवेश के पास यदि कोई अन्य आवेश लाए, मान लो कोई बाहर इस क्षेत्र से बाहर कहीं दूरी पर कोई छोटा सा आवेश ले लिया मैंने परीक्षण के लिए, क्यू ना हो, ये बहुत छोटा आवेश है। अगर इस आवेश को धीरे धीरे करके इस पॉइंट से उठाकर मैं यहां पे लाऊं, मान लीजिए यहां पे लिया है इसकी बजाय, तो देखो इस आवेश पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये क्षेत्र के अंदर बंद है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ की बजाय मैं धीरे धीरे यहां पे ले जाता हूं, इस क्षेत्र में एंट्री करा देता हूं क्यू नॉट आवेश को। जैसे ही बताओ इस आवेश को इस क्षेत्र में एंट्री करा दें, तो आपको पता है कि ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है। ये आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण का बल। और इस पर जो प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, तो यहाँ पर यही मैंने परिभाषा लिखी है बेटाओ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आ जाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे। क्यों? यहाँ पर ये अगर आवेश इस क्षेत्र में नहीं आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ही रखना है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर एक चुंबक ली, और एक चुंबक तुम्हारे पास है और एक चुंबक तुम्हारे दोस्त के पास है, और दोस्त के पास जो चुंबक है उसका क्षेत्र अलग है, तुम्हारे पास जो चुंबक है उसका क्षेत्र अलग है। अब क्षेत्र अलग है, जब तक उनको थोड़ा पास नहीं लाएंगे तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूर दूर है तो वहां पर कोई भी क्षेत्र नहीं है, तो उस स्थिति में आपको कैसे समझना है कि जैसे अगर उसकी चुंबक अपने पास लेंगे तो तुम्हारे पास जो चुंबक रखी है हो सकता है उसको प्रतिकर्षित करे या आकर्षित करे। वही स्थिति यहाँ पर है, इस आवेश को अगर इस क्षेत्र में नहीं ले जा रहे, बाहर ही रख रहे, तो तब तक इस आवेश पर ना तो इस आवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही इस आवेश पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे इस आवेश को इस क्षेत्र में ले जाते उठाकर, मान लीजिए इस क्षेत्र में रख दिया, तो ये आवेश इस आवेश पर एक बल लगाता है। आप जानते हैं कि सजातीय आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित, ठीक है। तो इस पर जो बल लग रहा है क्या कर रहा है? ये इसमें जाते ही क्षेत्र में जाते ही एक बल अनुभव कर रहा है। क्यों? इसके द्वारा इस पर एक बल लगाया जा रहा है, इस आवेश के द्वारा। और ये मैंने परिभाषा लिखाई है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है जो बाउंड्री से मैंने दर्शाया है, वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आ जाने पर, कोई अन्य आवेश कौन सा ले गए हम क्यू नो, कोई अन्य आवेश आ जाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे। अब इस पर कौन सा बल लगने लग गया? एफ बल लगा दिया इस आवेश के द्वारा। तो ये क्या करने लग गया? एक बल का अनुभव करने लगा, क्योंकि इसको ये धक्का देके बाहर निकाल रहा है, तो विद्युत बल का अनुभव करे। उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पर ये क्षेत्र है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में विद्युत क्षेत्र का होना जरूरी है, तो परिभाषा में मैंने ये लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र कब रहेगा? जब दूसरा आवेश इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आवेश जो इसके अंदर आया है क्यू नोट, तो क्यू नोट पर ये क्या लगाने लग गया? एफ बल। और एफ बल जब इस पर ये लगा रहा है बेटा, क्यू नोट आवेश पर लगने वाला बल कितना है? एफ बल लगाया गया है। अब इसकी बात की जाए, अगर मैं कहने लग जाऊं यूनिट चार्ज की, क्यू नॉट की जब जगह मैंने ले लिया यूनिट चार्ज, अगर एकांक आवेश पर बल निकाले तो कितना होगा? Q
क्यू नॉट आवेश पर तो बल लग रहा है कितना एफ, और एकांक आवेश की बात करेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा एफ बटे में क्यू नॉट, एफ बटे में क्यू नॉट को क्या बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे व्यक्त करते हैं हम कैपिटल ई से, ठीक है ना। तो ये मेरे परिभाषा में लिखा देखो विद्युत क्षेत्र में, ये वाला विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परिरक्षण, धन परिरक्षण का मतलब जो Q नॉट आवेश लिया था वो मैंने लिया था धनात्मक, और Q नॉट से दर्शाया परीक्षण के लिए तो लिया है, क्योंकि परीक्षण ये करना है कि इसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या नहीं। धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल है एफ, और एकांक धन परीक्षण आवेश है जो क्यू नॉट, इस पर लगने वाला बल है ये एफ अपॉन क्यू नॉट, और एफ अपॉन क्यू नॉट बल को क्या बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किससे व्यक्त किया गया है ई से। तो इसकी परिभाषा में ये लिख सकते हैं, इसका जो सूत्र आएगा निकल के वो आएगा अभी डाउन ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ये हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ठीक है ना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में देखो मैंने एक नीचे लाइन बढ़ाई है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है सदिश राशि, क्यों है सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी। देखो इस पर बल जो इस डायरेक्शन में लग रहा है किस पर निर्भर कर रही है, अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ के समानुपाती है, और एफ सब लोग जानते हैं कैसी राशि है सदिश राशि, जब एफ सदिश राशि है तो ई भी कैसी राशि होगी सदिश राशि, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लाइन लिख दिया कि यह एक सदिश राशि है, क्लियर है ना। आगे बैठाओ इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आगे मैंने एरो करके लिख दिया कि ई का मात्रक, ई का मात्रक इससे समझ जाना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। यहां पे देखो बल का मात्रक क्या होता है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हुआ बेटा न्यूटन बटे में कूलम, क्लियर है। आगे इसी की सहायता से मात्रक की सहायता से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं, आगे विमा क्या होगी ई की विमा, देखो बराबर, तो देखो पहले किसकी विमा लिखेंगे हम बल की विमा, बल की विमा अगर याद भी नहीं है एफ बराबर एम ए से निकाल लें, तो बल की विमा होती है बेटा एम वन एल वन टी की घात माइनस दो, नीचे किसकी विमा लिखनी है कूलम है आवेश की विमा, और आवेश की विमा ए टी, जहां एप्सिलॉन नॉट का मैंने मात्रक विमा निकाली थी वहां पे बताया था आवेश की विमा ए टी कैसे आती है। तो यहां पर देखो ई की विमा क्या है एम वन एल टू दी पावर वन टी की घात माइनस दो, टी की घात प्लस के एक को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी तो माइनस में जाएगी, तो टी की घात माइनस के तीन, और बचा क्या ए, और ए टू दी पावर माइनस वन, ये किसकी विमा हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, क्लियर है ना। देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, क्लियर है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में अगर जिसको भी अगर प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो वो मेरा नंबर नोट कर सकता है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर पे भी पूछ सकते हैं कि सर कोई समझ में नहीं आ रही तो वो चीज भी पूछ सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी है व्हाट्सएप नंबर, अगर किसी को पीडीएफ
कि नोट चाहिए वो भी नोट्स में आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यही कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।